तो विद्यार्थियों, आशा है आप लोग सकुशल होंगे। अब विद्यार्थियों, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने संधि प्रकरण के बाद समास प्रकरण को प्रारंभ कर दिया था और हम लोगों ने समास के विषय में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये जाना था अब विद्यार्थियों कि समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं, समास का मुख्यतः जो समान अर्थ है, मेन जो अर्थ है वो क्या होता है, यानी संक्षिप्तीकरण से लगाया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे और हम लोगों ने ये देखा था कि समास जो है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये पाया था कि समास जो है वो मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 वर्गीकरण हम लोग पुनः एक बार देख लेते हैं। ये जो 6 वर्गीकरण हमारा समास का था वो कुछ इस प्रकार का था। बच्चों, आप लोग इस तरह से ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने ये वर्गीकरण इस प्रकार से अध्ययन किया था। नंबर 1 पे द्वंद्व समास, नंबर 2 पे द्विगु समास और नंबर 3 पे जो हमारा समास था वो तत्पुरुष समास, नंबर 5 पे कर्मधारय समास, नंबर 4 पे कर्मधारय समास, नंबर 5 पे अव्ययी भाव समास और नंबर 6 पे हमारा बहुव्रीहि समास। इस प्रकार बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 3 प्रकार के समासों के बारे में विस्तृत अध्ययन उदाहरण सहित कर लिया था। तो इसमें सबसे पहला जो हम लोगों ने समास पढ़ा था वो द्वंद्व समास, इसके बाद द्विगु समास और इसके बाद हम लोगों ने तत्पुरुष समास को उदाहरणों के द्वारा समझ लिया था। आज बच्चों, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आगे के अन्य समासों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो नंबर 4 पे हम जिस समास के बारे में अध्ययन करते हैं वो है हमारा कर्मधारय समास, यानी कि कर्मधारय समास जो कि जिसको हम अपनी 4 भेदों के अनुसार चौथे नंबर पे पाते हैं। कर्मधारय समास बच्चों, जैसा कि हमने आपको क्लास में पढ़ाया था, आप भली भांति इसके बारे में जानते हैं कि ऐसा समास जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष होता है ना, अर्थात जिस समास में पूर्व पद जो है विशेषण और उसका उत्तर पद विशेष होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, है ना। इसमें बच्चों गौर करने वाली बात है, इसको आप अब देखिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, आप इसे देखिए पुनः। जैसे उदाहरण में हमने लिया नील कमल, है ना। अब देखिए ये जो हमारा ये जो नील कमल से ये जो शब्द है हमारा, इसे हम कहना किसे जाते हैं, नीला है यानी कि कमल, यानी कमल जो है वो नीला है। तो अब बच्चों इसमें आप गौर कीजिए कि जो हमारा इसमें जो हमारा पूर्व पद है वो है क्या, विशेषण। विशेषण किसी चीज़ का, जैसे हम कहें बालक जो राम क्या है, लंबा है, तो राम लंबा क्या हुआ, विशेषण हो गया किसका, राम का। उसी प्रकार से आप यहाँ देखिए जो हमने उदाहरण लिया है नील कमल, तो कमल क्या है, नीला, कमल का विशेषण क्या है, नीला। मान लीजिए गुलाबी हम कहते, पीला कहते, कुछ भी, मतलब जो भी हम कहते तो वो उस अमुक चीज़ का क्या हो जाता है, विशेषण। तो कमल का विशेषण यहाँ पे क्या है, नीला। और तो ये आपका क्या होगा, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद क्या है, विशेष है। विशेष उत्तर पद कैसे है कि जैसे कमल, ये हमारा विशेष पद हो गया और इस कमल का जो विशेषण हुआ वो हुआ नीला। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से एक और उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हमने कहा, हम कहना चाह रहे हैं कि पीला है अंबर, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, पीतांबर। पीतांबर से यानी कि पीला है अंबर अर्थात पीतांबर, नीला है कमल यानी कि नील कमल, है ना। तो पीतांबर, अब वही बात बच्चों पुनः गौर करने वाली, आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जो अंबर है ये जो अंबर है ये क्या है, ये है विशेष, और जो पीला है ये पूर्व पद है। तो पूर्व पद हमारा भी हमने आपको इसी उदाहरण से और इसके संप्रत्य में बताया था कि पूर्व पद हमारा क्या होता है, विशेषण। ठीक है, अभी आपने उपरोक्त उदाहरण, ऊपर वाले उदाहरण में ये चीज़ देखी भी थी। तो पीतांबर यानी कि अंबर है पीला, ठीक है, तो पीला हो गया विशेषण किसका, अंबर। अंबर हमारा क्या है, यहाँ पे विशेष है। तो इस प्रकार से हमने बच्चों ये देखा कि कर्मधारय समास जो है वो पूर्व पद में विशेषण को और उत्तर पद में विशेष को बताने वाला होता है, जिसको हमने दो उदाहरणों से जिसको हमने जो है समझा।
अब हम बात करते हैं बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, अव्ययी भाव समास, जो कि हमारे समास के प्रकारों में भेदों में नंबर 5वें पर है ना। अव्ययी भाव समास, ये समास क्या कहता है कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, है ना, यानी कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, ठीक है, उसे हम अव्ययी भाव समास के नाम से जानते हैं, ठीक है। और तो अव्यय जो हम लोग बहुत शुरू से ये सब समास के बारे में पढ़ के, अव्यय हो, है ना, वो अव्यय भाव समास कहलाएगा। इसके अलावा ये क्या है, इसकी एक विशेषता क्या है कि यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य भी करता है। कौन? अव्यय भाव समास जो है वो वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए क्रिया विशेषण का कार्य कैसे कर रहा है और ये इसका पूर्व पद कैसे अव्यय है। देखिए जैसे उदाहरण से हम इसको समझ रहे हैं, जैसे कि हमने बात की प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, है ना, तो प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन की हम बात यहाँ पे करते हैं, तो प्रतिदिन। अब आप देखिए इसमें जो हमारा पूर्व पद क्या हो गया, अव्यय हो गया, है ना बच्चों, देखिए आप उदाहरण में, ठीक है। और क्रिया विशेषण का कार्य भी यहाँ पे प्रत्येक कर रहा है, यानी प्रत्येक दिन यानी कि प्रतिदिन, ठीक। इसी प्रकार से एक उदाहरण से हम इसको और समझ लेते हैं। देखिए शब्द है हमारा यथासम्भव, है ना, यथा समय, मतलब यथा माने जैसा समय, यानी कि समय के अनुसार हम लोग अपने आप गौर कीजिए बच्चों, हम लोग अपने डेली जीवन में ये सब वर्ड यूज़ करते हैं ना कि यथा समय आ जाइएगा, प्रतिदिन हम ये कार्य करते हैं, है ना। तो इसमें हम ये पाते हैं कि हमारा पूर्व पद देखिए आप पुनः यहाँ पे क्या अव्यय है, है ना, यानी यथा, ठीक है। क्रिया विशेषण का कार्य कहाँ हुआ, समय यानी यथा यानी समय, समय के अनुसार, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये दोनों धारणों में हम लोगों ने पाया कि यहाँ पे पूर्व पद क्या था, अव्यय था। तो बच्चों इस प्रकार ये अव्यय भाव समास कार्य करता है, जिसको हम लोगों ने दो धारणों से भी स्पष्ट किया। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने छठे यानी आखिरी समास पे आते हैं, जो कि है हमारा, जो कि है हमारा बहुव्रीही समास, ठीक है। तो बहुव्रीही समास, बहुव्रीही समास के बारे में आप भली भांति जानते हैं, हम लोगों ने क्लास में खूब विस्तृत अध्ययन इसका कर रखा है बच्चों, है ना। चलिए पुनः इसको एक बार देख लेते हैं। ये समास ये कहता है कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष, है ना, एक विशेष पद का बोध होता है, यानी विशेष कौन, तीसरे पद का, क्योंकि दो का तो हो ही रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीही समास के नाम से हम जानते हैं, है ना बच्चों। तो अब आप यहाँ पे इसको समझिए उदाहरण से द्वारा, इसको आप और स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने उदाहरण लिया है नीलकंठ, है ना, तो नीलकंठ क्या है, यहाँ पे नीला है कंठ जिसका, है ना, स्वाभाविक सी बात है भाई, नीला है कंठ जिसका। अब तीसरा पद जो मैंने कहा इन दोनों पदों के साथ में एक तीसरे पद की विशेष है जो, है ना, उसका जो है क्या हो जाता है, बोध हो जाता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको किसका बोध हुआ, नील एक शब्द हो गया, एक पद हो गया, कंठ एक पद हो गया, है ना, ये दो पद हो गए। इन दोनों पदों से मैं क्या पता लगा, नीलकंठ यानी नीला कंठ जिसका, ठीक। तीसरा विशेष पद इसमें से कौन सा आ गया, यानी कि नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ यानी कि महादेव जी, शिव जी, ठीक, है ना बच्चों। तो ये तीसरा जो पद हमारे, जो तीसरा विशेष जो हमारा जो पद का बोध हुआ वो क्या हुआ, यानी कि शिवजी शंकर जी नीलकंठ कहलाए, है ना, नीला है कंठ जिसका, राइट। अब हम बात कर इसमें, चलिए बच्चों एक उदाहरण हम और देख लेते हैं, है ना। देखिए जैसे हमने शब्द लिया, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए लंबोदर, ठीक है। अब पुनः वही बात आती बच्चों, आप गौर कीजिए, जैसे कि आपने ऊपर के उदाहरण में किया था नीलकंठ में, लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिसका, ठीक है, बात आई उदर, पेट लंबा है, ठीक, लंबा और उदर दो बातें आ गई, लंबा है उदर जिसका, अर्थात तीसरा पद विशेष कौन सा आया, यानी कि गणेश जी। जैसे ऊपर नीलकंठ में कौन आए थे, महादेव जी शंकर जी, है ना, तो लंबा है उधर जिसका यानी कि गणेश जी, ठीक। तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि बहुव्रीही समास जो है अपने इस जो नियम के अनुसार किस तरीके से कार्य करता है, और इसको हमने उदाहरणों के द्वारा और स्पष्ट किया। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आज की क्लास में हम लोगों ने जिन समास के बारे में, समासों के बारे में अध्ययन किया, वो आपको पुनः समझ में आए होंगे और
आपको अन्य समासों के को समझने में भी ये सहायक हुए होंगे। तो बच्चों, अपनी अगली क्लास में हम लोग आगे के विषय के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।